हेलो एवरीवन। तो अभी अभी हम सो करके उठे हैं और अभी बज रहे हैं 4:45। तो अभी देख रहे हैं आप, हल्का हल्का अंधेरा है और रात में देखे जेनी ने क्या संभाल कर रखा था। तो उसका खाने का कुछ ना कुछ ढूंढ कर रखती रहती है। और ये देखिए किस तरीके से सो रहे हैं, और मेरे उठते ही ये सारे सारे खुद उठ करके शुरू हो जाते हैं शैतानी करना। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। तो अब शुरू करूंगी मैं क्लीनिंग का काम। सुबह सुबह मैं इसी कमरे से शुरू करती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कोई गेस्ट आता है, किस टाइम आ जाता है। तो और मैं ये जो सारे प्लांट्स हैं ना मेरे, इनको आज मैं क्लीन करूंगी। मतलब ये ऐसे ही फ्लावर हैं आर्टिफिशियल वाले, तो इनकी मैं आज क्लीनिंग करूंगी। और हो सकता है अगर टाइम मिला तो ये कर्टन भी सारे चेंज करूंगी, कर्टन भी दूसरे लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इसको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये किस तरीके से, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये, बिल्कुल नाइट बल्ब का काम करता है। अगर आप इसको ओपन करके रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से लाइट देता है, और आप आराम से अंधेरे में भी सब कुछ देख पाएंगे और हर काम कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये सारे कलर चेंज करता रहता है अपने आप से, बस इसको सेटिंग देनी होती है। जो इसका सेटिंग वाला है उसको कर दो तो चलता है। और ये देखिए यहाँ पे पूरी बेडशीट समेट रखा है, सारा कुछ ऐसे फैला रखा है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए लाइट जला देते हैं और शुरू करते हैं अब काम, क्योंकि सुबह सुबह ये काम सबसे ज़रूरी होता है। मेरा सबसे पहले काम होता है कि पहले मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग करती हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सब सही करती हूँ। क्योंकि डॉग्स मेरे कहीं पर भी सोते हैं, इनका कोई ये नहीं है कि इनका एक जगह है कि वहीं पे सोएंगे। कभी वो मेरे साथ सोते हैं, कभी अंकुर के साथ सोते हैं, तो कभी कहीं सोते हैं, कहीं सोफे पे सोते हैं, कहीं भी ये सो सकते हैं। बस इनको एसी मिलनी चाहिए, इनको कूलर मिलना चाहिए। अगर कुछ मिल गया तो बस वही सो जाएंगे। हाँ, फैन में नहीं सोना होता है, फैन में इनको नींद नहीं आती है। तो मैं यहाँ फटाफट से पहले क्लीनिंग का काम कर लूँ, उसके बाद में मैं नहाऊँगी जा करके, फिर पूजा करूँगी। और ये सब करते करते मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं सफाई में ही, और 1-1.5 घंटे मुझे पूजा में लग जाता है। तो काफ़ी टाइम मेरा निकल जाता है मॉर्निंग का इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने नहा करके पूजा भी कर लिया है। मैं नहाने जब जा रही थी तो मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए, तो जब तक मैं नहाई और पूजा वगैरह किया तब तक मेरे कपड़े क्लीन हो गए। तो बस मैंने इनको फैला दिया सूखने के लिए, क्योंकि तेज़ धूप जब तक होती है उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े मेरे सूख जाएँ। क्योंकि जब तेज़ धूप में आप कपड़े रखते हैं तो पहली बात कपड़ों की सेल्फ लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है, दूसरी बात है कपड़ों का कलर चला जाता है। तो देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े धुल लिए हैं। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा चाय नाश्ता करूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले भगवान जी को जो है अंदर ले जाऊँ। इतनी तेज़ धूप रही, आप देख सकते हैं मेरे प्लांट सारे के सारे एकदम से मुरझाने लगे हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई है। धूप में सारे के सारे पौधे बेकार हो रहे हैं, और जबकि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं नेट लगा रखा है, फिर भी प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक गई है। प्लांट सारे ऐसे लगता है जैसे जल जा रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल निकलती हैं, जल जाते हैं, फ्लावर निकलते हैं, सूख जाते हैं। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है आजकल धूप में।
कोशिश करूंगी मैं कि सारे सारे प्लांट जो हैं थोड़ा थोड़ा करके नीचे स्टेयर्स वगैरह पे रख दूं, जिससे उनको ठंडक मिले और वो सही से वर्क कर सके, चल सके। तो बस कपड़े फैलाए, उसके बाद में मैं अपने माधव, कान्हा और श्री को नीचे ले जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मंदिर तो मेरा ऊपर है, लेकिन मैं इनको ज़रूर नीचे ले जाती हूँ ताकि इनको थोड़ा सा राहत मिल सके। तो मैं थोड़ा बहुत काम करते करते इधर उधर करती रही, तब तक मेरे कपड़े सूख गए हैं। तो अब मैं सारे कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं कपड़े सूखने में। तो मैं यहाँ सारे कपड़े समेट लूँगी और उसके बाद में फिर मैं चाय नाश्ता वगैरह करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा शरीर में कुछ ताकत आए, क्योंकि काम करते करते इतनी थकान आ जाती है, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी। तो हल्का हल्का सा कोई कोई कपड़ा गीला है, फिर भी मैं उठा ले रही हूँ ताकि तेज़ धूप में मैं कपड़े न डालूँ, क्योंकि मन भी नहीं करता ना कि आओ और कपड़े फिर उठाओ अगर सूखे नहीं है तो भैया कपड़े उठा लो, जिससे बार बार धूप में ना आना पड़े और अपनी भी सुरक्षा होगी और कपड़ों की भी होगी। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े समेट ले रही हूँ, कोई गीले हैं उनको भी, सूखे हैं उनको भी, मैं सारे के सारे ले लूँगी, जिससे कि फुर्सत हो जाए बार बार ऊपर आने की। ऊपर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, ऐसे लग रहा है ना पूरा घर ऊपर का उबल रहा हो। पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, और हमसे तो बिल्कुल भाई रहा भी नहीं जाता। ऊपर 1 घंटे अगर रुकना पड़ जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे सिर चकराने लगा है। बस शाम को ज़रूर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाकी पूरा दिन तो पूरा घर उबलता रहता ऊपर। मैं जल्दी ऊपर जाती ही नहीं हूँ, सिर्फ शाम को जाती, या फिर सुबह मुझे जब पूजा करना होता और सफाई वगैरह करनी होती तब मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं। बहुत तेज धूप है, एकदम चिलचिलाती धूप है, इतनी तेज धूप लग रही है कि बस पूछिए मत। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, अब मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। तो यहाँ पर मेरा सुबह का ये जो 4 घंटे का काम होता है ना, वो यहीं पे एंड हो जाएगा चाय के साथ में। चाय पीऊंगी, उसके बाद में मैं आराम से थोड़ी देर बैठती हूँ, लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, और मैं जो अदर्स मेरे चैनल हैं मैं उन पर अगर कोई रील्स वगैरह डालनी है, कोई शॉर्ट डालना है तो मैं उनको डालती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं देखती भी हूँ कि क्या चल रहा है, आज कैसी वीडियो लोगों ने डाली है, क्या किया है, तो थोड़ा बहुत मैं जानकारी भी हासिल करती हूँ। तो इसमें मेरा 1 घंटे के करीब करीब निकल जाता है। और मैं यहाँ पर अपनी चाय फेवरेट वाली चढ़ा दे रही हूँ, बढ़िया लौंग इलायची अदरक वाली, और ये भगवान के बर्तन है तो मैं इनको भी हटा दूँ। और ये देखिए, ये तरबूज आया था तो मैंने आधा कट करके रख दिया था, आधा ये खाने के लिए निकाल दिया है। क्या हो गया? हाँ, ये तो रुक गया ही ना। किस किस को बताएंगे क्या चीज है? भाई ये इतना बड़ा होकर के कि बहुत शैतानियां करता है, इस तरीके से कुत्तों के साथ में लड़ता है, खेलता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसको खाकर जरूर देखिएगा अगर अगर आपके यहाँ मिलता हो तो। दिनों की बात है, बाथरूम सिंगर, बाथरूम सिंगर है, देखिए। सुबह सुबह ना अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो फिर क्या कहने, मजा आ जाती है, बहुत टेस्टी लगता है। हमारी चाय भी बन रही है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। देखिए यहाँ पे हमारा तरबूज भी रखा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, फूट, इसको फूट बोलते हैं, मतलब ये जो खरबूजा होता है, खरबूजा का ये बड़ा आकार होता है तो इसको फूट बोलते हैं। ये खेत में ही फट जाता है, खुल जाता है।
अगर इसको रात में ना तोड़ लिया जाए तो जैसे धूप निकलता है वैसे ही पड़ जाता है, तो इसको रात में तोड़ दिया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े से आते हैं, बहुत बड़े। ये हाफ है, सोच लीजिए ये हाफ है, इतना बहुत बड़ा बड़ा आता है। चाय पीने के बाद में और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में लगभग बज गए 11:30, तो मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ अब लंच का तैयारी। और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पनीर, तो अब देखते हैं पनीर में कौन सी डिश बनाती हूँ, जो भी समझ में आएगा वो सभी कट कर ले रही हूँ और सारा इंतज़ाम उसके बाद में करूँगी। तो फटाफट से मैं खाना बना लूँ, उसके बाद में बहुत सारे काम पड़े हैं जिसे आज पूरा निपटाना है। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब सुबह से काम करते करते ना मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो बस मैंने यहाँ पे बेल्ट बांध ली है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप बेल्ट क्यों बांधती हो, तो इससे क्या होता है ना कमर में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और पेन में रिलीफ भी मिल जाता है। तो जब मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगती है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। वैसे इसको पहनने से अजीब सा लगता है लेकिन मजबूरी है, अगर आपको कहीं पे जब बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है तो फिर पहनना पड़ता है। तो मैं इसलिए इसको जब बहुत ज़्यादा पेन होने लगती तभी पहनती हूँ। तो बस खाना बनाते बनाते मैंने सारे प्लांट भी अपने धुल लिए और देखिए किस तरीके से सूख भी गए हैं और एकदम नए की तरह चमचमाने लगे हैं। तो मैं इनको धुलने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाती हूँ। मैंने कभी भी डिटर्जेंट में वाश नहीं करती, मैं थोड़ा सा लेती हूँ कंडीशनर, कंडीशनर को लेकर के पानी में अच्छी तरीके से घोल देती हूँ और उसके बाद में उसमें मैं इसको 5 मिनट के लिए डिप कर देती हूँ। फिर मैं इसको धूप में नहीं सुखाती, छांव में ऐसे रख देती हूँ और ये सूख जाते हैं। तो सारा काम ख़त्म करते करते शाम के बज गए हैं 4 और अब मैं यहाँ पर ये सारे प्लांट उठा कर लाई हूँ और अब लगा दूँगी सारे बंच जिस जिस पॉट में मुझे लगाना है। तो अब कुछ इस तरीके से मैं लगाती हूँ जिससे कि देखने में सुंदर लगे। और देखिए मेरा बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे घूम रहा है, इसका एक ही काम है जहाँ मैं वहाँ वो, तो बस ये घूमती रहती है मेरे पीछे पीछे। और प्लांट कई सारे फ्लावर जो ना निकल गए हैं, इसकी लीव्स भी निकल गई हैं, तो बस शैतानी करेगी जैसे मैं कोशिश गिर जाएगा वैसे उठा करके लेकर के भाग जाती है, आप मुझे पकड़ो और छीनो। तो मैं यहाँ आराम से बैठ करके काम कर लूँगी और मैं यहीं पे ब्लॉग का भी आज एंड करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा मेरे से कि कैसे अपने घर के काम को अच्छी तरीके से मेंटेन करके करते हैं जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है और हम काम को भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर इसको सारा लगा दूँगी। तो मैं देख रही हूँ सारी पत्तियाँ कहाँ गायब हो गई हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन क्या है ना, बताऊँ आपको कि सारी पत्तियाँ वो उठा उठा करके ले गई है और अलग रखा हुआ है उधर की तरफ, तो मैंने देखा नहीं और मैं इधर उधर ढूँढती रही। बाद में पता चला कि हाँ पत्तियाँ तो सारी लेकर के मिलकी गई है और उसने रखा हुआ है। तो मैं इसके बीच में इस तरीके से रख देती हूँ तो एक बहुत ही सुंदर सा ये बंच बन जाता है और इसी तरीके से मैं इसको लगाती हूँ। तो देखिए ना मेरे लगाने का तरीका कैसा है, देखिए कितना सुंदर बंच बनता है। बीच में ग्रीन होता है और आस पास इसके चारों तरफ जो है वाइट कलर के फूल होते हैं। तो यहाँ एक मैंने बम्बू का रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा ये प्लांटर है, तो उसी में मैं इसको लगाती हूँ। अगर आपको प्लांटर देखना है ना तो मैं किसी दिन इसको ज़रूर दिखाऊंगी। जिस दिन मैं अपना होम टूर कराऊंगी उस दिन आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को दिखाऊंगी, मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा है, कितने में मिला है और बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगी। तो ये जिस जो जो मंच हैं जिसमें लगने हैं मैं वहाँ पर इनको लगा देती हूँ
और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।